तरीके से आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स आपके टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन, यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं। सबसे पहला उनके नाम पे FD बुक कराना, यानी फिक्स डिपॉजिट। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट बुक करते हैं तो आपके 10,000 रुपए से ऊपर आने वाले इंटरेस्ट हो जाता है टैक्सेबल। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के नाम पर उनकी FD करा देंगे अपने ही सरप्लस अमाउंट की, तो एक तो आपका सरप्लस अमाउंट भी सेफली पार्क हो जाएगा, दूसरा उसके ऊपर आने वाले 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल होगा, 50,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है जिसमें आप नहीं हैं को ओनर या फिर आप रहते हैं, तो फिर आप खुद को एज अ टेनेंट यानी कि किराएदार भी दिखा सकते हैं, उनको रेंट पे कर सकते हैं और वो रेंट अपनी तनख्वाह के HRA में भी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के नाम पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम ले लें। यहाँ मैं फिर से बात कर रही हूँ सिर्फ 60 साल से ऊपर के पेरेंट्स की। अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पर मेडिक्लेम कराते हैं तो उसके ऊपर जो प्रीमियम पे होगा वो उसका 50,000 रुपीज तक का अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएगा। वहीं अगर आपके पेरेंट्स 60 इयर्स से कम उम्र के हैं तो वो 50,000 रुपए तक का अमाउंट घटकर 25,000 रुपए आ जाएगा। इन तीन तरीकों से आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स आपका काफी ज्यादा टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।